अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यासिर है और मेरे चैनल का नाम बर्ड्स केयर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में छानना है, और मेरी पहली वीडियोस के अंदर मैंने आपको इस छानने को यूज़ करना भी बताया था और इसमें दाना किस तरह साफ़ करना है। सेम एज इट इज़ मैं आपको बताता हूँ सूरजमक्खी का, आज मैं आपको बताता हूँ। सूरजमक्खी आप जब बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डस्टी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो आप डायरेक्ट प्लीज़ अपने बर्ड्स को इस तरह की सूरजमक्खी मत दीजिए, ये बहुत ज़्यादा डस्टी होती है। इसके अंदर ख़राब सूरजमक्खी भी होती है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इस तरह ख़राब भी होती है और डस्टी भी होती है। तो अगर आप डायरेक्ट अपने सूरजमक्खी इस तरह की आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स इससे बीमार होंगे, हेल्थी नहीं रहेंगे, और ये आपके बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप अपने बर्ड्स को दाना और ये मसलन कुछ भी दाने के अंदर है जैसे, वो सब कुछ साफ़ करके दीजिए। जिस तरह ये है सूरजमक्खी है, आप ये अपने बर्ड्स को साफ़ इस तरह करेंगे, छानने के अंदर डालेंगे इस तरह से, मज़ीद आप डालेंगे और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आप मस्त जो है अपने दाने को साफ़ कीजिए इस तरह से, आप इसको साफ छानें और इसके साथ आप एक कपड़ा यूज़ कीजिए जो रेशमी हो या सूती हो, कुछ भी हो, इसके अंदर आप यूँ रख के इस तरह से आपने कुछ इस तरह से आपने इसको थोड़ा जोर भी इसमें लगेगा और अपने हाथ से इस तरह ग्रिप करनी है। इस तरह से जो है सूरजमक्खी को ये साफ़ होती जाएगी और इसके अंदर से तकरीबन डस्ट निकलेगी, और डस्ट और ख़राब जो सूरजमक्खी होगी वो भी तकरीबन निकलना शुरू हो जाएगी। आपने इस तरह से तकरीबन सूरजमक्खी को आपने इस तरह से आपने हाफ इस तरह से भर लेना है यहाँ तक, और इसके बाद आपने इस तरह से इसको साफ़ करते जाना है। मैं आपको और मज़ीद सूरजमक्खी इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये देखिए, आप इस तरह से ज़्यादा सूरजमक्खी भी एक एक टाइम में डाल के आप इसको छान सकते हैं। ये देखिए, इतनी ज़्यादा सूरजमक्खी डाल ली आपने और आप इस तरह से इसको छानना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आप इस तरह से इसको करते जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो, लेकिन ये कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक ही मरतबा पूरे मंथ की सूरजमक्खी एक दिन बैठ के तकरीबन एक से एक घंटा तकरीबन आपको लगेगा, आधा घंटा या एक घंटा आपको लगेगा, और आप अपनी इस तरह से साफ़ कर लीजिए। और आप देखिए नीचे कितनी डस्ट जमा हो गई, ये देखिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। इस तरह से डस्ट बहुत ज़्यादा होती है सूरजमक्खी में, ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है। जब ये आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स हेल्थी नहीं रहेंगे, इसलिए आप हमेशा साफ़ करके सूरजमक्खी अपने बर्ड्स को दीजिए। तो जब आप इस तरह से आप साफ़ करेंगे उसके बाद आपकी सूरजमक्खी आस्ते आस्ते चमकने लग पड़ती है, तो उसके अंदर से सारी जो ख़राब जो होती है डस्ट होती है वो बाहर निकल आती है। और इसलिए भी ये ज़रूरी है, जब आप जैसे इवोन कैप्सूला मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये फार्मूला, इसकी भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और जब भी आप इसके अपने दाने के अंदर और सूरजमक्खी के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो अगर डस्ट होगी तो वो सारी की सारी जो डस्ट है वो आपकी जो है इसके साथ इवोन कैप्सूल के साथ इसके फार्मूले के साथ चिपक जाएगी, तो ये आपके लिए बर्ड्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपने दाने को साफ़ कीजिए, सूरजमक्खी को हमेशा अलग से साफ़ कीजिए, और दाने को अलग से जो मिक्स दाना होगा, बाकी कंगनी बाजरा कई जही ये सब कुछ आप अलग से साफ़ कीजिए, और आपने इसको अलग से साफ़ करना है सूरजमक्खी, बाद में आप साफ़ करने के बाद इसको एक जगह मिक्स कर दीजिए। सो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियोज़ देखिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।